शुभ आज का। आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आसता, हाथों में फूल है प्यार की, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीर्ष गाते हम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पूजन पद्धति वर्ष के 16वें रविवार की इस पूजन विधि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रभु ईश्वर हमारे लिए एक भला गडेरिया है। पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए भला गडेरिये बनकर इस संसार में चले आए। ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी जिनके पास अधिकार हो, जिनको सेवा का अवसर हो, वे सभी एक भले गडेरिये के समान व्यवहार करें। जो अपनी भेड़ों की देखरेख के लिए सब कुछ कर सके। आइए हम पवित्र मिसा बलिदान की तैयारी स्वरूप अपने आप को तैयार करते हुए कुछ क्षण हम दिल की जांच करें, अपने दिल को टटोल कर देखें कि वास्तव में हम ये भूमिका भली भांति हमने निभाई या नहीं। यदि हमसे भूल हो गई हो, किसी भी प्रकार से मन से वचन से कर्म से हम प्रभु के विरुद्ध और हमारे अपनों के विरुद्ध पाप किए हों, उन भूल चुकों के लिए क्षमा याचना करते हुए हम प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धनी मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे ख्रीस्त प्रभु, 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 दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो।
हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र येसु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आप दोनों के हृदयों में जुहा पर होता कि अब योग रीति से पौत्र ग्रंथ से पाठ सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, वाक्य संख्या 1-6 तक। पाठ का मूल वाक्य, मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को इकट्ठा कर लूंगा और उनके लिए चरवाहों को नियुक्त करूंगा। प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह की भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। इसीलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर अपनी प्रजा को चराने वालों से यह कहता है, तुम लोगों ने मेरी भेड़ों को भटकने और तीतर बितर होने दिया, तुमने उनकी देखरेख नहीं की। देखो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेगी फूलेगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएगा। तब उन्हें न तो भय रहेगा, न आतंक, और न उनमें से एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्य काल में यूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा, राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, चरवाहा यीशु है मेरा।
कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जलिए सुनी देता है हमें, साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से लागो लाएगा किनारे, चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ, एफेसियों के नाम सन पॉलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 13 से 18 तक। वही हमारी शांति है, उन्होंने दोनों को एक कर दिया। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों वाली संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया गाए हम हालेलुया, वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया, हालेलुया गाए हम हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा।
उन्हें उन लोगों पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में विशेष करके पुराने व्यवस्थान में हम अनेकों बार देखते हैं कि ईश्वर को एक गडेरिय के रूप में, एक भले चरवाहे के रूप में पेश किया गया है। ईश्वर ऐसे ईश्वर है जो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को बड़े प्यार से, बड़े सावधानी से उनकी देखरेख करता है, उनकी हर प्रकार की जरूरतों की पूर्ति करता है। जब तक ईश्वर उनके साथ है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए स्तोत्रकार गाता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। जब ईश्वर का मनोभाव इस प्रकार का है, एक भले गडेरिया का है, ईश्वर चाहता है कि उनकी प्रजा भी, जो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकार में हैं, उनको भी इस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। जो उनके अधीन है उन पर शासन करना नहीं, उन्हें प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि उनकी देखरेख करनी चाहिए, उनकी जरूरतों की पूर्ति करनी चाहिए। इसलिए आज के पहला पाठ में हम देखते हैं यरमियाह के ग्रंथ से कि ईश्वर फटकार देते हैं सब उस समय के अधिकारियों को, नेताओं को, राजाओं को। धिक्कार उन चरवाहों को जो मेरे चरागाह के भेड़ों को नष्ट और तितर बितर हो जाने देते हैं। ईश्वर उनसे बहुत नाराज है, इसलिए ईश्वर आगे कहते हैं, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे, तब उन्हें ना तो भय होगा, ना आतंक, और ना उसमें से एक का भी सर्वनाश होगा। तो ईश्वर ने इस प्रकार का वादा किया और उस वादा को निभाते हुए उन्होंने स्वयं अपने पुत्र को एक भले गडेरी के रूप में संसार में भेजा, जिन्होंने स्वयं को कहा मैं भला गडेरिया हूँ। और भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता है, और हम जानते हैं प्रभु ने स्वयं ऐसा ही किया। आज उस भले गडेरिये के एक गडेरिया होने का एक प्रमाण, एक भला गडेरिया होने का, या अपनों की सचमुच देखरेख करने की एक उदाहरण आज के सुसमाचार में पाते हैं। प्रभु के शिष्य अपने सेवा कार्य करके वापस आ जाते हैं। प्रभु ने उन्हें भेजा था दो दो करके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, अपदूतों को निकालने के लिए। प्रेरित गए, बहुत अच्छे काम किए, बहुत मेहनत किए, और जब वे वापस आ जाते हैं बड़े उत्साहित होकर, आनंदित होकर, क्योंकि उनका कार्य बड़ा सफल रहा। प्रभु उनसे कोई लेखा जोखा लेने के लिए नहीं बैठते उनके साथ, या फिर उनकी कोई गलतियां पकड़ने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए, या कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए नहीं बिठाते हैं, बल्कि प्रभु कहते हैं आज के सुसमाचार में, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो। सुसमाचार कहता है क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे, उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। तो प्रभु येसु की प्राथमिकता यह है कि उनके शिष्य शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और हर प्रकार से स्वस्थ रहे,
उनके हर प्रकार की कल्याण की उनकी चिंता थी। इतना काफ़ी नहीं था उनके लिए कि उनसे अधिक से अधिक काम निकलवाए, मेहनत करवाए, बल्कि साथ साथ उनका कल्याण, उनके मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक सुख, इसकी भी प्रभु को चिंता थी। इसलिए उन्हें विश्राम करने के लिए, उन्हें भोजन कराने के लिए एकांत में ले जाते हैं। यह प्रभु का एक विशेष गुण है, उनके भले गडेरिया होने की एक अच्छा मिसाल है। और आगे यही हम देखते हैं, लेकिन लोग समझ गए ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इनके पहले ही बड़ी संख्या में विशाल जनसमूह उनके सामने आ पहुँचे। तो प्रभु को उन्हें देखकर दया आई। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा, उन्हें उन लोगों पर तरस आया। क्यों? क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थी। और फिर वापस प्रभु उन्हें शिक्षा देने लगे। ये है प्रभु यीशु के एक भले गडेरिया होने का एक उदाहरण, एक मिसाल। प्रभु के शिष्य होने के नाते, उनके अनुयायी होने के नाते प्रभु चाहते हैं कि हम भी इस प्रकार के स्वभाव को अपनाएं, हम भी दूसरों के लिए फिक्रमंद रहें। जो हमारे अधीन में है, यदि मैं एक पुरोहित की भूमिका अदा कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, जिन्हें मुझे सौंपा गया है, उनकी हर प्रकार की देखरेख करें। यदि कोई व्यक्ति एक अभिभावक के रूप में, चाहे वो पिता के रूप में हो, माता के रूप में हो, या फिर कोई हॉस्टल वार्डन के रूप में हो, इस प्रकार की भूमिका उन्हें दी गई है, तो उनको चाहिए जो उनके अधीन में है, उनकी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे प्रेम के साथ उनकी देखरेख करें। इस प्रकार सभी को एक अच्छा गडेरिया, एक भला गडेरिया, एक अच्छा चरवाहा बनने का एक उत्तरदायित्व बनता है। तो आइए प्रभु के इस सच्चे उदाहरण को स्वीकार करते हुए, पिता ईश्वर जो स्वयं एक भले गडेरिया है, और उनका पुत्र हमारे प्रभु यीशु खुद को, अपने आप को एक भला गडेरिया बनकर सिखाया, दिखाया है, उन्हीं से हम भी प्रेरणा ले, उदाहरण ले, उनका अनुसरण, उनका अनुकरण करें। आइए हम हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वही ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा, और स्वर्ग में आरोहित हुआ, और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट चाहता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने एक विशाल जनसमूह को देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया।
क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। आज पवित्र कलीसिया को सच्चे, अच्छे और भले चरवाहों की आवश्यकता है। हम पिता ईश्वर से चरवाहों को भेजने और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के सच्चे और भले चरवाहों के रूप में अपना दायित्व को निभाए, विश्वासियों को अच्छी शिक्षा दें और उनकी देखरेख करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथलिक कलीसिया अपने अधीन के सभी धार्मिक तथा शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण और उनकी अच्छी देखभाल करें, उनकी जरूरत पूरी करें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी कैथलिक लेखकों, पत्रकारों, संगीतकारों और कलाकारों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर से प्राप्त अपनी प्रतिभाओं का उपयोग आम जनता की आत्मिक भलाई और देश और समाज के विकास और कल्याण के लिए कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो मसीह में अपने विश्वास के कारण सताए या उत्पीड़ित किए जाते हैं। प्रभु येसु मसीह उनका पक्ष लें, उनकी रक्षा करें और उनको सांत्वना प्रदान करें ताकि वे अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि भोज में उपस्थित सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि उनमें से अनेक नव युवक, नव युवतियों ईश्वर की पुकार सुने और स्वयं को समर्पित कर लोगों के सच्चे व भले चरवाह बन जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हम अपनी निजी और स्थानीय आवश्यकताओं के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र येसु ने एक विशाल जनसमूह को देखा और उन लोगों पर उन्हें तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। उन्होंने उन्हें शिक्षा दी और उन्हें रोटी खिलाया। हमें यह कृपा तथा आशीष दे कि हम तेरे पुत्र की शिक्षा सुन सकें और उनके बताए मार्ग पर चल सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। शरण ली लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव की शंका फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव की शंका फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर अनंत काल, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर अनंत काल, धन्य है ईश्वर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुँच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर
जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमान करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहाँ। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना, होसाना होसाना प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है, धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु बिना पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, होसाना होसाना होसाना, होसाना होसाना होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुमारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धनी प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग ते राही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्व कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रभु दया और प्रेममय है, उसके कार्य स्मरणीय हैं, वह अपने भक्तों को भोजन प्रदान करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है, हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करें सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। अपने हृदय को उसमें रहे नदा। जय जय प्रभु यीशु की,
जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो।